जो सरकारी मुलाजिम है जो सरकार का जो है वो कामकाज करते हैं, मैं आपको बता दूं ये खबर जो है वो उन लोगों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक नया हुक्मनामा यहाँ पर जारी किया गया है, आप सभी के लिए जो एक नया ऑर्डर जो यहाँ पर निकाला गया है, ये अपडेट जाना आपको बेहद ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ऑर्डर में यहाँ पर क्या कुछ जो आप सभी के लिए बताया गया है, आगे आप इस रिपोर्ट में फुल डिटेल से जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है। सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना। लगभग 10,000 के करीब यहाँ पर इंप्लॉयज हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आती है। सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालें, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, जो हम आगे बात करेंगे। जो सरकारी मुलाजिम है जो सरकार का जो है वो कामकाज करते हैं, मैं आपको बता दूं ये खबर जो है वो उन लोगों के लिए है। आप जितना भी कामकाज करते थे आपकी रिपोर्ट जो है वो आपके ऑफिसर से मांगी जाती थी, वो अफसर जो है वो आपकी रिपोर्ट सबमिट करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपको सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, यानी कि आपकी खुद की रिपोर्ट आपको खुद ही सबमिट जो है वो करनी होगी। उसके लिए जो है वो एक पोर्टल बनाया गया है, सरकार ने साल 2022 में इस पोर्टल की इस पोर्टल को जो है वो बनाया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो फरवरी साल 2024 में इसकी शुरुआत जो है वो करनी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पोर्टल का नाम EPMS यानी कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसकी शुरुआत जो है वो सरकार ने कर दी है साल 2024 यानी कि जनवरी महीने में इसकी शुरुआत जो है वो कर दी है। सरकार ने कहा है कि आपका जितना भी कामकाज रहता है, जितना भी आप कामकाज करते हो, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो आपको इस पोर्टल में जो है वो सबमिट करना होगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया EPMS। यानी कि अब इस पोर्टल में जो है वो आपका जितना भी काम कर रहता है, जितना भी ब्यूरो जो होता है, वो आपको खुद की रिपोर्ट जो है वो खुद ही सबमिट करनी होगी। अब आपके जो ऑफिसर है उनसे ये रिपोर्ट जो है वो नहीं मांगी जाएगी। निश्चित तौर पे जितना भी कामकाज आप करते होंगे, आपको पता होता है कि आप कितना कामकाज करते हो, कितना सरकार की तरफ से आपको काम दिखाया है, और खुद की रिपोर्ट जो है वो आपको खुद ही सबमिट करनी होगी। इसमें जो आपके ऑफिसर है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से लेवल के लोग जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने जो कहा कि लेवल 6 के एम्प्लॉयज को कहा गया है, या एम्प्लॉय 6 के ऊपर के लेवल के जो लोग आते हैं उनको ही ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, यानी कि जो लेवल 6 के नीचे के लोग हैं उनको ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है। जो लेवल 6 के है या 6 के ऊपर के है उन लोगों को जो है वो अपनी खुद की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, यानी कि आपको सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट खुद की रिपोर्ट खुद ही सबमिट करनी है। अब आपकी जो रिपोर्ट है वो कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद ही करनी होगी। तो निश्चित तौर पर जितना आप कामकाज करते हैं आपका ब्यौरा जो है वो सरकार इस पोर्टल में जो है वो मांगेगी, तो आपको खुद का ब्यौरा जो है वो इस पोर्टल में आपको देना होगा, जिसका नाम EPMS एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इस पोर्टल का नाम है। जितना भी ब्यौरा आपसे मांगा जाएगा वो आपको लोगों को जो है वो इस पोर्टल में जाकर आपका खुद का ब्यौरा जो है वो इसमें सबमिट करना होगा। इससे पहले जो है वो जो आपके ऑफिसर है उनसे सरकार जो है वो ब्यौरा मांगती थी कि इन्होंने कितना काम काज किया है, तो पूरा ब्यौरा जो है वो आपके ऑफिसर देते थे। तो मैं आपको बता दूं एम्प्लॉय 6 के लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इसमें शामिल है, जहाँ 6 के ऊपर के जो लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो अपना ब्यौरा जो है वो इस पोर्टल में सबमिट करवाएंगे। जो 6 के नीचे के एम्प्लॉयज हैं उनको अपना ब्यौरा जो है वो इसमें सबमिट नहीं करना होगा, यानी कि जो वो जैसे जितना काम जैसे करते हैं वो वैसे ही कामकाज जो है वो करेंगे, उनके ऑफिसर जो है वो शायद वही ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। लेकिन इस पोर्टल में ये कहा गया है कि एम्प्लॉय 6 के लेवल के जितने 6 लेवल के और 10 के ऊपर के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वही इस पोर्टल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वही अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इस पोर्टल की शुरुआत जो है वो साल 2022 में की गई थी, लेकिन अब सरकार ने जो है वो इसकी शुरुआत जनवरी 2024 साल में जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो कर ली है। ये जो ऑर्डर यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकाला गया था, इस ऑर्डर में यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है, फुल डिटेल से आपको जानने को मिला है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।